ये आप आग लगा कर कोई जादू वगैरह करते हैं, इस पर लोगों का आप ये शक दूर कर दें? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आग क्यों जलाई जाती है? ये हमें सर्दी होती है, खून कमजोर है, सर्दी में खून जम जाता है। सही सही सही। ये गर्म करता हूँ। सही सही। जो जब जाता हूँ आग बुझा के जाता हूँ। अच्छा, हम यही पैगाम देने चाह रहे हैं इमरान खान को, खुदा रहा हम लोग को लीज दे, फंड दे, हम लोग रोटी के काबिल हों, और ये है कि चटाई बिस्तरे के काबिल हों। हम लोग तो कंगाल हो के फुटबरी पे बैठे हैं प्यारे भाई। हमारा गुजर सफर यही है भाई जान, आपसे चार आने मांगे, उससे दो आने मांगे, उससे रुपया। आँख हमारी राम वाली ने पे फोड़ी थी। अच्छा, हमने जो है ना उसके लिए झाड़ू लगाया, हर चीज लगाई, सेटिंग करी, उसने शराब पिया, फिर जास की सिगरेट पी, फिर मेरे को बोला माँ के लोड़े निकल जाओ, हमारे आंखों से दूर हो जाओ। हम आ गया बस। तो ये मुझे बताएं, आग के साथ दुश्मनी है ना इंसान के साथ है? अच्छा, मैं तो अल्लाह का नाम लेवा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे साथ एक फकीर बाबा हैं जो ये घोटकी की मेन जो है रोड है उस पर अक्सर मैंने देखा करता था, और ये आग जला कर बैठा हुआ करते थे। तो मैं सोचता था कि इनका कभी ना कभी इंटरव्यू लूँगा, तो आज इनके साथ मुलाकात हो गई है, तो इनसे पूछते हैं इनकी कहानी। जी चाचा जी, अपनी कहानी बताएं, नाम बताएं, पहले तारुफ करें। हमारा नाम है करम हुसैन, हम फौजी पीरबाज के लड़के हैं। हमारे पास दरगाह है लाला वाली सरकार, कूंजा वाली सरकार, उसके हम बुहारीदार हैं, उसके साथ सैयद रमजान शाह है, उसके साथ जिंदा इमाम है, उसके साथ सीमेंट फैक्ट्री है, और जिसके ऊपर हाथी छापा हुआ है। अच्छा, ये आपकी आँख? आँख हमारी राम वाली ने पे फोड़ी थी। अच्छा, हाँ जी, ये नाक भी फाड़ा था। नहीं, आँख आपकी क्यों फाड़ी गई? अली का नाम क्यों लिया है? अच्छा जी, और ये सुआ मारा था इधर। अरे इधर देखो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नजर आ रहा है बिल्कुल। और इधर 12 टाके लगे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका गुजर सफर कैसे होता है? हमारा गुजर सफर यही है भाई जान, आपसे चार आने मांगे, उससे दो आने मांगे, उससे रुपया मांगा, इस तरीके से। तो हमने आज तक रुपया जमा नहीं किया। अच्छा, जबरदस्त। हमारी पीछे बीवी भी है, लड़की भी है, भाई भी है, 600 घर का हम लोग का कुंबा है। अच्छा, तो वो कहाँ रहते हैं? आप यहाँ इस हाल में, आप यहाँ इस हाल में रह रहे हैं, उनको मालूम है ये बात? हाँ। अच्छा, तो वो आप वहाँ? मैं तो घर में भी बोलता हूँ, मांगता हूँ भाई। अच्छा, तो आप वहाँ घर खर्चा वगैरह भेजते हैं? हाँ जरूर। अच्छा, ज़बरदस्त, करम हुसैन फकीर बाबा, ये रखें आप। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आप हमारी यही मदद करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जाजू फकीर, मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये घोटकी में ये जो मोमिन शाह का ग्रेव यार्ड है उसके साथ ये चाचू बैठा करते हैं, इनकी बैठक है, आस्थाना है इनका। तो जो भी इनकी मदद करना चाहे तो बिला झिझक उनकी बिल्कुल उनके साथ तावन कर सकता है। चाचू ये बताएं कि गर्मी सर्दी में आप देखो, पहली बात ये है बाबा जी, ये जो साहब बैठा है इनके पैसे आए, मुझे आके बोला फकीर आओ उधर कार्ड है तो पैसे ले जाओ, मैं गया खाली आ गया। अब बेनजीर साहब आके पैसे उस तरफ चल रहे हैं, दो दफा उधर मैं होके आया। अच्छा, बोला जी ये औरतों के लिए है, मर्दों के लिए। अच्छा, तो ये भी हमारे साथ नाजायजगी है, ये भी तुम मैं बोलूंगा बिल्कुल आपके साथ जो भी तावन गवर्नमेंट करना चाहे वो कर सकती है। अफवाह फैल रही है, एक दोस्त ने मुझे कहा कि ये आप आग लगा कर कोई जादू वगैरह करते हैं, इस पर लोगों का आप ये शक दूर कर दें? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आग क्यों जलाई जाती है? ये हमें सर्दी होती है, खून कमजोर है, सर्दी में खून जम जाता है। सही सही सही। इसलिए गर्म करता हूँ। सही सही। जब जाता हूँ आग बुझा के जाता हूँ। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, आग के साथ दुश्मनी है ना इंसान के साथ है? अच्छा, मैं तो अल्लाह का नाम लेवा हूँ, चार आने आते हैं, देख रहे हो तुम्हारे? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप मांगता हूँ मैं,
बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुझे मैं किसी की जेब नहीं काटता, मैं किसी की लड़की को नहीं देखता, मैं किसी के लड़के को नहीं देखता। बिल्कुल माशाल्लाह, मैंने अपने नफ्स को मारा हुआ। जबरदस्त। अब मुझे बताएं आखिर में, ये मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो सर्दी का मौसम आ रहा है अभी, तो सर्द मौसम में आप कैसे गुजारा करते हैं रात को? कैसे गुजारा करते हैं? अगले साल तो एक शरीफ ने इधर बैठे हुए भी एक सवार होंडे पे ला के मुझे दी फकीर ये पहनना। ओए ओए ओए। और एक दिन मैं ले गया, दूसरे दिन उधर से वो चोरी हो गई। फिर मैं चोरी कौन, वो भी फकीर करके जाते हैं, कौन करता चोरी? जैसे छोटे छोकरे हुए, जैसे जो शलोशन पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, घर से खर्चा नहीं मिलता है, वो उठा के ले जाके चौथी कीमत में बेचते हैं। अगर 500 की चीज़ है तो वो 500 में बेच के वो अपना नजा पूरा करेंगे। सही। तो आपको अपने बीवी बच्चे याद आते हैं या फिर नहीं? बिल्कुल आते हैं जी, मैं अभी बीच में होके आया था। अच्छा, फोन पर रब्ता रहता है आपका? जी हाँ। गमी खुशी आना जाना हर चीज़ होती है, क्योंकि जो पीसीओ है ना, वो मीरपुर मसेले, उधर हमारे नंबर ये वो सब लिखे हुए। अच्छा जी, सही। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, ये चाचा करम हुसैन ये तो है, आप गवर्नमेंट से भी गुजारिश। मैं बिल्कुल, ये वीडियो यूट्यूब, मेरा चैनल है यूट्यूब का जी, जी, जी। तो मैं उस पर ये चैनल पर आपकी वीडियो चलाऊंगा और इंशाल्लाह आपके साथ कोई ना कोई आएगा, इंशाल्लाह तावन होगा आपके साथ। बड़ी मेहरबानी चाचू। और ओके, टाइम में गवर्नमेंट को काम आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, आवाम पे हम कितना जोर देंगे, आवाम पहले ही बेचारी तंग है। सही कह रहे हैं आप, गवर्नमेंट से कुछ नहीं है। मैं भी उनको तंग करूँ तो उनकी दिल चिकनी होगी। तो हम यही पैगाम देने जा रहे हैं इमरान खान को, खुदा रहा हम लोगों को लीज दे, फंड दे, हम लोग रोटी के काबिल होए, और ये है कि चटाई बिस्तरे के काबिल होए, हम लोग तो कंगाल हो के फुटबरी पे बैठे हैं प्यारे भाई। सही बिल्कुल बिल्कुल चाचू। आखिर में आपसे मैं एक सवाल करूँगा, आखिर में मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, वाह वाह वाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक सरजमीन जिंदाबाद, किश्वरे हसीन जिंदाबाद, जिंदाबाद, तू निशाने अज़्म आलीशान, परचम पाकिस्तान जिंदाबाद, कैदे आज़म एक लंबार जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम चाचू, खुदा हाफिज करूँगा। मैं आखिर में एक बात पूछूंगा कि ये आपने खैरात कब से मांगना शुरू की? खैरात भाई जान मैं मांगना शुरू की भुट्टू के दौर में। अच्छा, सही। तो भुट्टू के दौर में मैं बैठता था आगे। अच्छा, इधर एक बलोच बैठता था। अच्छा, वो बहुत हो गया, पर मैं वो जगह छोड़ के इधर आया हूँ। अच्छा, उधर एक वकील रहता था सामने, वो खम्बा है जी, खम्बे वाला वकील भी बहुत हो गया। अच्छा, अब मैं बैठता हूँ कभी इधर कभी इधर कभी इधर। ये अब कब्रिस्तान में रहते हैं अंदर या नहीं रहते? नहीं रहते। एक दफा वो सैयद था, वो ले गया था। अच्छा, वहाँ जब वो गया